अब ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज चल रही है वनडे मैचेस की, और उसमें छह मैचेस की सीरीज है, दो अभी तक इंडिया ने जीत ली है, दो हुए हैं, और इंडिया बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है आफ्टर टेस्ट मैचेस सीरीज जो कि इंडिया हार गया था, लेकिन जो लास्ट मैच था, तीसरा मैच था, वो इंडिया ने जरूर विन कर लिया था। तो जैद साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक तो मुझे सबसे पहले ये बात करनी कि कल जो सिचुएशन बनी कि आपको एंड पे दो रन चाहिए इंडिया को, और उससे पहले अंपायर्स ने, और वहां पर फील्ड अंपायर भी थे अलीम डार, तो उन्होंने लंच ब्रेक का कह दिया, और फिर उसके बाद वापस आए हैं और आके दो रन बनाए और मैच को खत्म किया। बेसिकली अपने तौर पर तो कोई भी नहीं कर सकता, एक रूल एंड रेगुलेशन है, और वो मैच रेफरी भी देख रहा होता है, फील्ड अंपायर भी देख रहा होता है, थर्ड अंपायर भी देख रहा होता है कि किस तरीके से क्या आप, अगर आप ये समझते हैं कि दो तीन ओवर वो मेडिन ही खेल जाते तो और लंबा हो जाता मैच। लास्ट विकेट का जरूर सुना, लेकिन इसमें कंडीशन दिए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं कि अगर ये सूरत हाल हो तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब वो मुझे इस वक्त नहीं पता कि वहां की सूरत हाल क्या थी, लेकिन एक्चुअली अपने तौर पर मैं नहीं समझता कोई आदमी दो स्कोरों के लिए टीम को बाहर लिया है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक अगर वो ना करते तो वो मेरा ख्याल है कि वो मैच रेफरी भी इसका एक्शन लेता है और अंपायर भी इसको बताता। फिर मैं परफॉर्मेंस के ऊपर लेता हूं कमेंट, आप क्या कहेंगे कब साहब ये जो सिचुएशन बनकर? देखिए रिजवान साहब, साढ़े तीन घंटे की एक इनिंग्स होती है वनडे क्रिकेट में, 50 ओवर साढ़े तीन घंटे के अंदर करने होते हैं, ठीक है। अब कल जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो 100 एंड समथिंग रन पे 118 पे आउट हो गई, मींस के वो अपने जो उनके 50 ओवर के अंदर अंदर ही आउट हो गई। अब रिमेनिंग जो ओवर थे, और इसमें 10 मिनट की ब्रेक, और उसके बाद साढ़े तीन घंटे के बाद ब्रेक होती है, साढ़े तीन घंटे से अभी साढ़े तीन घंटे हुए नहीं थे तो दूसरी इनिंग शुरू हो गई, तो जब दूसरी इनिंग अभी क्लोज नहीं हुई थी तो साढ़े तीन घंटे कंप्लीट हो गए और लंच टाइम हो गया। जब लंच टाइम होता है ना तो फिर आपको मैच ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद चाहे उसमें तीन रन रहते हैं, दो रहते हैं, एक विकेट रहती है, आपको लंच करना पड़ता है। तो वो लंच हुआ, लंच के बाद दोबारा आए, दो रन रहते थे, दो रन किए तो कंप्लीट हो गए, क्लोज का साढ़े तीन घंटे का टाइम है। चले अब मुझे ये बताएं कि जो इंडिया ने कम बैक किया आफ्टर टेस्ट मैचेस सीरीज, और यही पर जो स्ट्रगल कर रही थी इंडिया की टीम, अब तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखें ये आपने अभी ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज देखी है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवा रही थी इंग्लैंड को, और इंग्लैंड चार टेस्ट मैचेस हार भी गई थी। वनडे में बिल्कुल ही बदल, वनडे में देखें, वनडे में एनर्जी आती है, डिफरेंट प्लेयर आते हैं, और यहाँ टेस्ट मैचेस में साउथ अफ्रीका ने जरूर जीती है सीरीज, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो सीरीज कोई आसान थी, बहुत मुश्किल थी, वो इंडिया भी जीत सकती थी, क्योंकि वो टोटली जो तीनों मैचेस हुए ना वो बॉलर्स की फेवर में गए हैं, और बड़ी मुश्किल से रन वहां हो रही थी, तो मैं समझता हूँ गुड लक है साउथ अफ्रीका की वो सीरीज जीत गई। लेकिन अब देखें कि अब क्योंकि इंडिया वनडे क्रिकेट में काफी पॉपुलर है, उनके पास जो प्लेयर हैं वो लंबी लंबी इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर हैं, और उन्होंने उनके इस वक्त जो बॉलर हैं उनका बहुत ज्यादा मोराल हाई है, उन्होंने टेस्ट मैचों में साउथ अफ्रीका को अंडर प्रेशर किया रखा, और उसके बाद अब जब वनडे आए तो वनडे में भी ऑलमोस्ट वो उस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं जो कि टेस्ट मैचेस में हुई, और इनके पास स्पिनर्स भी ऐड हो गए। अब एक चाइनामैन स्पिनर है वो जो तंग कर रहा है, जो उसने कल भी तंग किया और कल इनको अंडर प्रेशर करके ले, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि साउथ अफ्रीका अभी भी कैपेबल है कि वो कम बैक कर सकती है, और अभी चार मैच पड़े हुए, छह मैच है, दो मैच जरूर जीती है, पहले उसने बहुत अच्छा खेला है कोहली ने और जमदार रहाने ने, मैं समझता हूं कि ये सिचुएशन ऐसी आ भी सकती है अभी, क्योंकि दोनों क्वालिटी प्लेयर्स हैं दोनों टीमों में, लेकिन ये है कि इस वक्त पलाव भारी इसलिए हो गया इंडिया का कि उन्होंने दो प्लस हो गए मैच, तो अभी मुश्किल में तो है साउथ अफ्रीका, लेकिन पूरी एबिलिटी रखते हैं वो कि वो वापस आ सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं। बैड लक हुई है कि उनके पास डिविलियर अनफिट हो गए जिनकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि अभी भी मैचेस अच्छे हो सकते हैं। जी आप क्या शॉर्ट कमेंट करेंगे जो इनकी परफॉर्मेंस रही जैद साहब? आप ये देखेंगे 50 ओवर कम नहीं थे, लेकिन 50 ओवर वाले रन भी नहीं किए साउथ अफ्रीका ने, बिल्कुल ऐसे ही आदमी है ना रन करे, और दूसरा जो जब टेस्ट मैचेस होते हैं ना तो कोई भी बॉलर